वेलकम टू कशफा जो ऑफिशियल। वैसे तो मेरे पास जो पर्सनल यूज़ में प्रोडक्ट्स हैं वो तकरीबन सारी ही ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं, लेकिन मैं कुछ का रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ। मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। जो सबसे पहले असेंशियल जो चीज़ है ना वो मिल्क एंड हनी का शुगर सक्रब है। इस प्रोडक्ट के बगैर मैं नहीं रह सकती। इसका एक तो हैंड्स को फीट को इतने अच्छे से हाइड्रेट कर देता है, क्लीन करने के साथ डल स्किन तो रहती ही नहीं है और सॉफ्ट अलग हो जाते हैं। तो मेरे हैंड्स बिल्कुल भी डल नहीं है, डार्क नहीं है, तो वो सिर्फ इस प्रोडक्ट की वजह से हैं। ठीक है, इसके साथ जो दूसरी चीज़ मैं डेली बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ ना वो है ये वाला डिओड्रेंट। अच्छा, एक्टिवले का डिओड्रेंट है 72 हॉर तक, कोई भी आपको इशू नहीं आता, ना ही आपको पसीने का इशू है, ना ही आपको कोई स्मेल वगैरह का इशू आता है। सर्दियों में हम शावर कम ले रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में गर्मियों के बाद के साथ साथ जो है ना ये सर्दियों के लिए भी उतना ही असेंशियल है। रोल ऑन डिओड्रेंट है, मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देती। इस टाइप का ये आपको इसका ऊपर से नज़र आएगा। बहुत इजीली एप्लीकेशन है इसकी, बस आपको जो है जहाँ पे भी अप्लाई करना है वहाँ पे रख के इसे। एक मैं मज़े की इसकी बात बताऊँ, ये हम पाँव पे भी लगा सकते हैं। सॉक्स पहनते हैं ना तो बिल्कुल स्मेल नहीं आती। पाँव की नीचे तलियों में लगा लें, हील्स पे लगा लें, आपके पसीना नहीं आएगा तो डेफिनेटली स्मेल नहीं आएगी। तो मेरे लिए तो ये बेस्ट वर्क करता है समर्स के साथ साथ विंटर में भी। डेली बेसिस प्रोडक्ट में मेरे पास है जी एसेंशियल का फेस वॉश एंड स्क्रब। इसका टेक्सचर इतना स्मूथ है, एक तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करता है स्किन को, क्योंकि इसके अंदर हल्के हल्के पार्टिकल्स हैं स्क्रब के। फेस वॉश भी है, डेली बेस पे फेस की स्क्रबिंग भी हो जाती है, स्किन बहुत स्मूथ एंड नीट रहती है। अच्छा, इसके अंदर है लेवेंडर आयल। लेवेंडर के बेनिफिट्स में आता है कि स्किन को यंग भी रखता है। तो ये स्किन को यंग रखने में जो जिन लोगों की स्किन सैग हो रही होती है ना, आई विल रिकमेंड कि ये वाला फेस वॉश आप यूज़ करो। ठीक है, उसमें इसके अलावा में विटामिन B5 भी है। और मैं उसके साथ बाद मेरे पास जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये है, क्योंकि मैं विलेज से हूँ तो यहाँ पे हम लोग आग वगैरह जलाते हैं तापने के लिए, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो ये भी एक किस्म का इवेंट ही होता है। तो हम पास बैठे रहते हैं जिसकी वजह से जो स्मोक होता है वो स्किन के अंदर घुस जाता है। तो ये मेरे लिए असेंशियल चीज़ है, क्योंकि मैं स्किन को बहुत अच्छे से डीप क्लीन करता है। जैसे ही ऑरेंज है ना ऐसे ही फ्रेश फ्रेश स्किन को कर देता है, डलनेस को ख़त्म कर देता है। एप्रिकॉट एंड ऑरेंज या विटामिन सी क्लींजर भी इसको बोलते हैं, स्किन को यंग एंड हेल्दी भी दिखाता है। उसके साथ साथ मास्क जो कि मेरी डेली स्किन केयर रूटीन में नहीं है, लेकिन वीकली मैं इसको यूज़ करती हूँ स्किन को प्योरीफाई करने के लिए। क्योंकि अगर स्किन के अंदर कंटिन्यूसली डस्ट पोल्यूशन वगैरह जा रही है, स्मोक जा रहा है जो कि नॉर्मल हमारी जो हवा है उसके अंदर भी होता है, तो वो स्किन अंदर से ख़राब होना शुरू हो जाती है। अंदर से स्किन ख़राब होगी, ये रिजल्ट क्या आएगा, आपकी स्किन के अंदर सीबम जमा हो जाएगा, गन जमा हो जाएगा एक्नी वगैरह के। तो एक्नी मुझे कभी भी नहीं आते, उसकी वजह यही है। इसको मैं डेली बेसिस पे यूज़ कर रही होती हूँ। तो आज की यही प्रोडक्ट्स का फीडबैक था मेरे पास। नेक्स्ट मैं मज़ीद शेयर करूँगी, क्योंकि मैं बहुत सारी प्रोडक्ट शेयर जो ओरिफ्लेम की है वो यूज़ कर रही हूँ।